तुमने कभी ना कभी पावर रेंजर शो तो देखा ही होगा और तुमने कभी ना कभी ये सोचा होगा कि आखिर ये पावर रेंजर शो बनता कैसे है। और क्या तुम्हें पता है फर्स्ट पिंक रेंजर लड़के में से कौन बना था और आज तक सबसे बेस्ट पावर रेंजर शो कौन सा है? क्या वो एसपीडी है, क्या वो निंजा स्टील है या फिर डायनो चार्ज? और आज तक का बेस्ट रेंजर कौन है? सो ऐसे बहुत कमाल के फैक्ट्स तुम्हें पावर रेंजर से रिलेटेड पता चलेंगे इन्फॉर्मेशन के साथ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फैक्ट नंबर वन, आखिर पावर रेंजर्स सीरीज को बनाया कैसे जाता है? सबसे पहले स्टोरी होता है, फिर एक्टर्स का ऑडिशन होता है। एंड फिर कुछ रियल एंड वर्चुअल शॉट्स को लिया जाता है, जस्ट लाइक एक मूवी। मूवी का जो प्रोसेस रहता है सेम होता है। इसमें लगभग एक सीजन रहता है जो लगभग 15 एपिसोड्स का होगा और पर एपिसोड $600,000 तक खर्चा आता है, जो देखा जाए लगभग कम ही है क्योंकि एक सीजन में लगभग उनका 30 मिलियन तक खर्चा आ जाता है, जो देखा जाए कंपेयर टू दूसरे सीरियल्स और दूसरे जो शो होते हैं तो 2 मिलियन से लेके 10 मिलियन तक उनका खर्चा आता है खाली एक एपिसोड का। पर ये लोग तो सिर्फ 30 मिलियन में पूरा निपटा देते और वो एक सीजन भी बच जाता है। देख रहे हो कितना अच्छा चीज बना लेते कम पैसे में। फैक्ट नंबर टू, क्या तुम्हें पता है कौन सा पावर रेंजर सीरीज सबसे बेस्ट था? वह था पावर रेंजर्स माइटी मॉर्फिन, जो सबसे पहले पावर रेंजर सीरीज भी है, जो 1993 से लेकर 1996 तक चला था। फैक्ट नंबर थ्री, क्या तुम्हें पता है कि कौन सा रेंजर सबसे बेस्ट है? वो है टॉमी ओलिवर, जो लगभग 193 एपिसोड्स में अपीयर हो चुके हैं। उन्हें फिर से री इंट्रोड्यूस कराया गया था डायनो थंडर ऐसे डॉक्टर टॉमी ओलिवर। एंड ये स्टार्टिंग से पावर रेंजर्स शो के अंदर दिख रहे हैं लगभग 1993 से लेकर। एंड सैडली He passed away in 2022 November 19. ये एक लेजेंडरी रेंजर थे जो ऑलमोस्ट सबके फेवरेट थे। एंड RIP टू द लेजेंड। फैक्ट नंबर फोर, कौन सा लड़का सबसे पहले पिंक रेंजर बना था? वो था डेनियल ओ हेलोरियन, जो बेसिकली 1969 में बने थे कॉमिक के अंदर, जहाँ पे टीम फॉर्म हुआ था, जिसके अंदर मेरे ख्याल से पिंक रेंजर एंड येलो रेंजर एक लड़का थे, बाकी सब लड़की थे, मतलब उल्टा ही एक अलग वर्स था शायद से कॉमिक के अंदर। फैक्ट नंबर फाइव, कौन सा रेयरेस्ट पावर रेंजर कलर है? वो है पर्पल, जो लिटरली बहुत कम ही देखने को मिलता है पावर रेंजर सीरीज के अंदर, बट डायनो चार्ज में एंड बहुत सारे पावर रेंजर्स की सीरीज में देखने को मिल चुका है स्टिल। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो गाइस, इतने फैक्ट्स काफी है मेरे को लगता है। एंड अगर तुम्हें वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन और वीडियोस है मेरे चैनल पे चेकआउट करो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब अगर तुम पहली बार चैनल पे आए हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।